तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। सब लोग चारों तरफ पहन जाओ। लोग अंदर कैसे आए? कैसे बिना इजाजत कैसे अंदर आ गए साहब? हम लोग CID से, समझे? मुंह बंद रखो और उस कोने में जाकर खड़े हो जाओ चुपचाप। ये सीढ़ी छुपा के रखी हुई है और वो भी ऐसी जगह में, काफी खराब हुई है। ये तो ध्रुव है। फिर ये लाश कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। सच सच बता दे ये लाश कहाँ से, नहीं तो तुझे यहीं ऊपर टांग दूंगा, समझा? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और इस एपिसोड में आप लोगों को CID टीम की बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इस एपिसोड का नाम और नंबर बताने वाला हूँ और इस एपिसोड के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में CID टीम मोबाइल नेटवर्क के जरिए इस केस को सोल्व करती है। CID टीम पता लगाती है कि आपस में इन तीनों की लोकेशन एक साथ कब थी और दोस्तों, जैसे ही उनको पता लगता है कि इस गोडाउन में उनकी लास्ट लोकेशन देखी गई थी तो CID टीम वहां पर जाती है और देखती है कि यहां पर जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और अभिजीत सर को एक CD मिलती है। अभिजीत सर CD लेकर SCP सर के पास जैसे ही लेकर आते हैं तो SCP सर बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे स्क्रैच है, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तभी उस CD के ऊपर एक खून की बूंद आकर गिर जाती है जिसके कारण से सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये खून की बूंद यहाँ कैसे आई। लेकिन सभी लोग जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर उनको ध्रुव की लाश लटकती हुई मिलती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड का नंबर है CID 1044 और इस एपिसोड का नाम है वैम्पायर। यह पूरा एपिसोड YouTube पर आसानी से अवेलेबल है, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल CID 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।